खबर बालाघाट जिले के खैरलांजी से। तहसील मुख्यालय के अंबेडकर चौक में रोड की हालत बद से बदतर होने से एक ट्रक घंटों रहा फंसा। शनिवार की सुबह करीब 7 बजे तहसील मुख्यालय के अंबेडकर चौक में रोड की हालत खस्ता होने से टर्निंग में एक ट्रक बुरी तरह से फंस गया। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही खैरलांजी से खैरी सड़क मार्ग के रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जो कि खैरलांजी से खैरी तक सड़क निर्माण किया गया है, किंतु मुख्यालय का मुख्य चौराहा अंबेडकर चौक में 50 मीटर में सीसी सड़क निर्माण कार्य होना था, जो कि आज तक नहीं हो पाया है। 2 दिन पूर्व आई बारिश के चलते जहां गड्ढों में जल भराव हो गया, वहीं एक तरफ सड़क निर्माण कार्य रुका पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम की नल जल योजना की पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदार द्वारा नाली खुदवाई गई है और पाइपलाइन डालने के बाद उसे अच्छे से नहीं भरा गया, जिसकी वजह से सड़क के एक तरफ से बारिश आने के कारण रोड पूरी तरह धसक गई। तो वहीं आज सुबह तुमसर मार्ग से आ रहे और तिरोड़ा जा रहे ट्रक ने जैसे ही अंबेडकर चौक में टर्न लिया, वैसे ही रोड किनारे नाली के स्थान पर ट्रक धस गया और घंटों फंसा रहा, जिससे राहगीरों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां आपको बता दें कि रोड ठेकेदार एवं नल जल योजना के ठेकेदार दोनों ही ठेकेदारों की लापरवाही का नतीजा है कि आज तहसील मुख्यालय के मुख्य चौक की यह हालत है। खबर भारत न्यूज के लिए खैरलांजी से कृष्ण बहटवार की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए खबर भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें पंकज डहरवाल, कॉन्टेक्ट नंबर 9826564928। कार्यालय का पता, प्रेस मीडिया कार्यालय, तिरोड़ा रोड, खैरलांजी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।